आइए दोस्तों बात करते हैं 26 जनवरी स्पेशल। जी हाँ, गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी भारत के नागरिकों से क्या ऐलान किया है और साथ ही साथ हमारे दिल्ली में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा कि नहीं मनाया जाएगा और इसको लेकर के हमारे सभी स्कूलों में क्या मसला चल रहा है, यानी कि हम आपको 26 जनवरी के बारे में जो हमारे मोदी सरकार ने सभी देश नागरिकों से बड़ा ऐलान किया है उसके बारे में हम आपको सारी जानकारी विस्तार से तो बताएंगे ही। इसके अलावा हमारे मोदी सरकार ने 26 जनवरी स्पेशल पर कुछ ऐसे ऐलान किए हैं जो आपको बेहद ही ज्यादा आवश्यक है। तो चलिए इस 2 से 3 मिनट की वीडियो में हम आपको सारी जानकारी एकदम विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी असली मेहनत का फल होता है और हमारी उम्मीद बनती है आगे आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट न्यूज की जानकारी लेकर आने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाने चलता हूँ आपको आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हमारे दिल्ली राज्य में गणतंत्र दिवस को लेकर के क्या माहौल बना हुआ है। तो फ्रेंड्स बता दें कि हमारे दिल्ली राज्य में गणतंत्र दिवस मनाने का माहौल तो शुरू हो चुका है, लेकिन उसके लिए हमारे मोदी सरकार ने कुछ आपको नए नियम और नए शर्तें रखे हैं। अगर दोस्तों आप इस नए नियम और नए शर्तों को मानेंगे तो ही आप दिल्ली राज्य में परेड और गणतंत्र दिवस को देख सकते हैं, वरना दोस्तों आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो दरअसल बात कुछ ही वरना दोस्तों कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसानों के आंदोलन को देखते हुए, फिलहाल तो हमारे किसानों का आंदोलन खत्म हो चुका है क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल का समय दिया हुआ है, 1.5 साल में जो भी मसला निकल कर आएगा उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल दोस्तों 26 जनवरी स्पेशल पर यानी कि दोस्तों गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी 65 साल से ऊपर उम्र वाले व्यक्ति को दिल्ली के परेड में ना आने की अनुमति दी है और इसके साथ ही साथ जो छोटे बच्चे हैं यानी कि जो 12 साल से नीचे हैं उनको भी दिल्ली के परेड में ना आने की अनुमति दी गई है। यानी कि इस साल सन 2021 में हमारा जो गणतंत्र दिवस यानी कि दोस्तों 26 जनवरी मनाया जाएगा वो कुछ नए अंदाज में और नए रूप में देखने को मिलेगा, जिसमें 12 साल से कम उम्र वाले छोटे बच्चे नहीं दिखेंगे और साथ ही साथ जो 65 साल से ऊपर उम्र वाले व्यक्ति हैं यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी 26 जनवरी के परेड में यानी कि दोस्तों दिल्ली समारोह में उनको एंट्री नहीं मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार से हमारे भारत के सरकार ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐलान कर दिया है। अगर दोस्तों आप दिल्ली राज्य में मन रहे गणतंत्र दिवस के परेड को देखना चाहते हैं तो आपको प्रवेश पत्र यानी कि दोस्तों एंट्री पत्र लाना होगा, तभी दोस्तों जाकर के आपको एंट्री मिलेगी। और साथ ही साथ आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके पास 12 साल से कम उम्र वाले बच्चे नहीं होने चाहिए और साथ ही साथ 65 साल से ऊपर उम्र वाले व्यक्ति को भी दिल्ली के रैली परेड में एंट्री नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ स्कूलों में बात करें तो हमारे सभी स्कूलों में 26 जनवरी नहीं मनाया जाएगा क्योंकि हमारे भारत की सरकार ने अभी तक स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर कोई भी फैसला नहीं किया है, केवल और केवल 10वीं और 12वीं का कॉलेज चल रहा है और आगे कब तक आपके सभी स्कूल कॉलेज खुलते हैं इसको लेकर के कोई भी अभी गारंटी नहीं है। तो ऐसे में आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि इस बार जो हमारे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस यानी कि 2021 में जो आपका समारोह मनाया जाएगा वो कुछ नए अंदाज में और नए रूप में मनाया जाएगा जो आपके सभी स्कूलों में ना होकर के दिल्ली का परेड में होगा। तो देखते हैं कि 26 जनवरी यानी कि दोस्तों महज कुछ ही घंटे बाकी रह गए हमारे 26 जनवरी आने में और फिलहाल हमारे मोदी सरकार ने यही सलाह दिया है कि आप अपने घरों में रहकर ही 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस का आनंद लें। तो बस आपको इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानकारी देनी थी, उम्मीद करता हूं कि जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में एक और अपडेट्स में, तब तक के लिए जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।